नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फास्ट न्यूज इंडिया में। मैं आप सबके साथ ही सिंह। आइए आज के तमाम बड़े खबरों की तरफ रुख करते हैं। बिजली कटौती से परेशान जनता ने किया प्रदर्शन। जी हां, यूपी के सोनभद्र जिले के बिजली कटौती से परेशान आम जनता सड़कों पर उतरी है। निजीकरण के विरोध में चल रहे प्रदर्शन की वजह से जिले में कई जगह बिजली गुल है। जनपद के कई इलाकों में लोगों का विरोध प्रदर्शन। रेणुकूट में लोगों ने थाना घेरा। कल सुबह से ही कई इलाकों की बिजली गुल है। जिला प्रशासन की तरफ से कोई व्यवस्था नहीं होने से लोगों में नाराजगी देखने को मिल रही है। देखिए सोनभद्र से अशोक चौबे की रिपोर्ट। आज आप लोग धरना प्रदर्शन दे रहे हैं पुलिस चौकी पे, किस वजह से दे रहे हैं? हम लोग धरना प्रदर्शन ये दे रहे हैं कि सरकार ने जो बिजली को निजीकरण करने की जो व्यवस्था बनाई है, जो योजना बनाई है, इसके विरोध में जो बिजली कर्मी हैं, जो बिजली विभाग से जुड़े लोग हैं, जेई हैं और वहाँ कर्मचारी हैं, उन्होंने अनशन किया है। उन्होंने सरकार के इस योजना के खिलाफ अनशन किया है। आम पब्लिक इस बिजली से परेशान है और सरकार सूद भी नहीं ले रही है। सरकार इसका हल निकाले और आम जनता को यह बिजली से राहत दे। आज बच्चे परेशान हैं, पानी नहीं मिल रहा है लोगों को पीने के लिए और अन्य कई जगहों की बिजलियां हैं, तो कटे तो सबकी बिजली कटे, वो चाहे मंत्री हो, चाहे बिजनेसमैन हो, चाहे फैक्ट्री हो, जहां पे भी सरकारी बिजली यूज हो रही है वो सारी चीजें कटे। सबको इस चीज का नुकसान समझ में आए और सरकार अपनी इस पर फैसला ले, उन्हें उनके धरने को समाप्त करा करके बिजली को चालू कराने का काम करे, ताकि प्रदेश के और देश के लोगों को राहत मिल सके। बिजली की ऐसी जरूरत वाली चीज़ है जिससे हॉस्पिटल और तमाम ऐसी चीज़ें जहाँ पे इसमें बहुत जरूरी आ सकता है। मौसम भी थोड़ा सा गर्म है जिससे लोग एकदम बीमारियों से परेशान हैं। लोग अपने घरों में बीमार हैं, कोई बच्चा है, कोई बूढ़ा है, तो तमाम लोगों को यह परेशानी। इस संबंध में हम लोग यहाँ पर आकर के अपना प्रदर्शन कर रहे हैं और अपनी ये मांग कि बिजली व्यवस्था जल्द से जल्द बहाल। विद्युत लाइन छूने से भरी ट्रॉली में लगी आग। जी हां, राजस्थान के अलवर जिले के रामगढ़ थाना क्षेत्र में विद्युत लाइन छूने से चारे से भरे ट्रैक्टर ट्राली में लगी आग। 11,000 किलोवाट लाइन छूने से ट्रैक्टर ट्राली में लगी आग। रामगढ़ कस्बे के अंतर्गत ग्राम आलावड़ा में GSS के समीप 11,000 केवी लाइन नीची होने के कारण ट्रैक्टर ट्राली में आग लग गई है। गलीमत यह रही कि जनहानि होने से बच गई है। कस्बा आलरा के 33 केवी GSS के रामगढ़ लालावड़ी रोड के निकट के लालावड़ी फिंडर्स सैंथली फिंडर और हाईवे रोड निर्माण प्लांट पर तीन अलग अलग लाइनों में विद्युत सप्लाई जारी है। नियमानुसार रोड क्रॉसिंग पर ऊंचे टावर लगाकर विद्युत लाइन को ऊंचा रखा जाना चाहिए, लेकिन भ्रष्टाचार के चलते केवल 33 केवी लाइन टावर पर लगी हुई है। शेष लाइनें नीची होने से हमेशा हादसा का अंदेशा बना रहता है, जिसे आज शाम बाजरे की कड़वी से भरे ट्रैक्टर ट्राली का विद्युत लाइन छू जाने से आग लग गई। करीब एक घंटे तक रामगढ़ आलावड़ा रोड पर आवागमन बंद रहा। देखिए राजस्थान के अलवर से जितेंद्र कुमार की रिपोर्ट। ज्यादा ऊंची भर दी बड़े खबरों की तरफ। सदर SDM महोदय को सौंपा ज्ञापन। जी हां, यूपी के जनपद कासगंज में आम आदमी पार्टी जिला अध्यक्ष संजय सिंह राजपूत के नेतृत्व में एक ज्ञापन महामहिम राष्ट्रपति महोदय दिल्ली के नाम पर सदर SDM महोदय को सौंपा, जिसमें हाथरस में पीड़ित परिवार को 22 श्रेणी की सुरक्षा एवं गुड़िया का केस गैर भाजपा राज में चलाया जाए एवं CBI की जांच सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में कराने के संबंध में ज्ञापन सौंपा गया। ज्ञापन में माननीय प्रदेश प्रभारी एवं सांसद संजय सिंह के निर्देशानुसार जिलेवार ज्ञापन सौंपने की कार्रवाई की गई, जिसमें निवेदन किया गया कि उत्तर प्रदेश के हाथरस में हुई इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना ने योगी सरकार पर बड़ा सवाल खड़ा किया है। योगी सरकार की नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि प्रदेश की 24 करोड़ जनता सुरक्षित रहे, लेकिन योगी सरकार रक्षक की जगह भक्षक बन गई है। हाथरस में हुई घटना इसी का जीता जागता उदाहरण है, जहां गुड़िया और पीड़ित परिवार को न्याय जगत प्रदेश सरकार द्वारा डराया और धमकाया जा रहा है। योगी सरकार द्वारा पुलिस पीड़ित दलित परिवार की पहरेदारी बिना परिवार की सहमत के गुड़िया का शव जलाना, सबूत नष्ट करना, पुलिस प्रशासन के सामने क्षेत्र के विशेष जाति के दबंग लोगों द्वारा पीड़ित दलित परिवार खुलेआम धमकाने से स्पष्ट है कि योगी सरकार में पीड़ित परिवार सुरक्षित नहीं है। दिनांक 5 अक्टूबर 2020 को पीड़ित परिवार को संतावना देने पहुंचे पुलिस सुरक्षा में विश्वासघात करते हुए प्रदेश प्रभारी व सांसद माननीय संजय सिंह, दिल्ली डिप्टी स्पीकर माननीय राखी बिरला, दिल्ली सरकार के मंत्री माननीय राजेंद्र पाल गौतम, नेता विपक्ष उत्तर प्रदेश फैजल लाल
लाला के साथ पुलिस सुरक्षा के बीच हमला हुआ। सुरक्षा में हुई इतनी बड़ी चूक प्रदेश सरकार की नीयत पर बड़ा सवाल खड़ा करती है। इसी घटना को अंजाम देने वालों को एडीजी लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार के साथ मिली। इतना ही नहीं, यह आदमी मुख्यमंत्री सूचना निदेशक द्वारा फॉलो किया जाता है। इतने साक्ष्य प्राप्त हैं कि योगी सरकार में कोई भी सुरक्षित नहीं है। इतना ही नहीं, राजनीतिक नेताओं पर पुलिस प्रशासन द्वारा बर्बरता पूर्वक लाठीचार्ज किया। आम आदमी पार्टी इसकी कड़ी निंदा करती है। पीड़ित परिवार को निष्पक्ष न्याय मिलना असंभव है। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश सरकार से मांग करती है कि गुड़िया के परिवार को 22 श्रेणी की सुरक्षा दी जाए, सीबीआई की जांच सिटिंग जज की निगरानी में हो। धन्यवाद ज्ञापन देने वालों में राकेश कुमार अलोशिया, जिला उपाध्यक्ष, जिला मीडिया प्रभारी संतोष राजपूत, मनोज कुमार साक्य सम्राट, ब्लॉक अध्यक्ष मनपाल सिंह उर्फ मंत्री रेखा देवी, सुधाकर यादव, सत्यवीर सिंह, सुनील कुमार वर्मा, योगेश कुमार गुप्ता, विनीत कुमार, जिला अध्यक्ष SC ST प्रकोष्ठ आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए कासगंज से संजय सिंह की रिपोर्ट। आपका नाम क्या है? मेरा नाम सम्राट मनोज साक्य और मैं जिला सचिव आम आदमी पार्टी कासगंज। आपने जो आज ज्ञापन दिया है महामहिम राष्ट्रपति के नाम, ये किस संबंध में छोड़ा गया है? ये जो हमारे जो हाथरस कासन जी के पास जो हाथरस है उसमें जो एक इंसानियत को शर्मसार करने वाली घटना हुई है उसके संबंध में हमने महामहिम राष्ट्रपति के नाम का ज्ञापन SDM सदर कासगंज को सौंपा है। और साथ ही जो कल हमारे नेताओं के साथ जो भी कृत्य हुआ था वो एक काफ़ी निंदनीय है जिसकी आम आदमी पार्टी कासगंज बहुत घोर भत्सना करती है। आपके सांसद जी कल जो है परिवार से मिलने गए थे जी, हाथरस, तो उनको रोका गया था, उनके साथ क्या क्या किया गया था? उनके ऊपर कुछ लोगों ने अराजक तत्वों ने स्याही छिड़क दी थी, काली स्याही। तो हम तो यही कहना चाहते हैं, पूर्व में दिल्ली CM के ऊपर भी काली स्याही छिड़की गई थी तो उसका सब कुछ दिल्ली वालों ने बताई दिया था, अब यूपी की जनता आगे बताई देगी। राजस्थान के झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र के गांव हेमड़ा में प्रदेश में महिलाओं और बालिकाओं के साथ हो रहे दुष्कर्म, गैंग रेप के खिलाफ और 12 में हुए बालिकाओं के साथ बलात्कार के विरोध स्वरूप हल्ला बोल के तहत भाजपा जिलाध्यक्ष संजय जैन ताऊ और युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष मनोज गुज्जर के निर्देशानुसार हेमड़ा क्षेत्र के भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ता ने जिला मंत्री गजेंद्र तिवारी और उप सरपंच भोला राम के नेतृत्व में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला दहन किया और राजस्थान सरकार से मांग की गई कि दोषियों को तुरंत गिरफ्तार कर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, राजस्थान को बलात्कार प्रदेश बनने से बचाए। विरोध करने वाले में वार्ड पंच गिरिराज नागर, आजाद नरेंद्र पाटीदार, भाजीमय मंडल उपाध्यक्ष मोहन नागर, श्याम सिंह कर्मा, खेड़ी विजय सिंह, सोन नगरा महेश शर्मा, त्रिलोक पाटीदार आदि भाजपा और भाजीमय कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए हेमड़ा से मान सिंह नागर की रिपोर्ट। राजस्थान के झालावाड़ जिले के सुनेल थाना क्षेत्र के गांव हेमड़ा में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध प्रदर्शन किया गया है। 12 में हुए गैंगरेप एक बालिका के साथ, उसके विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का पुतला जलाकर विरोध प्रदर्शन किया है। सरकारी योजना का लाभ नहीं मिला। जी हां, बांदा के कामाशीन क्षेत्र के नारायणपुर गांव का है मामला। बता दें कि जहां पर ग्राम प्रधान फूलचंद्र के प्रधान के अचल रवैया के चलते गरीब परिवार को नहीं मिला आवास, नहीं शौचालय। किसी किसी को शौचालय देने के लिए वादे भी किए पर गरीब परिवार के लोगों ने शौचालय का गड्ढा भी खोद लिया पर शौचालय नहीं दिया गया, ना ही उनके खातों में पैसा पहुंचा। परेशान लोगों ने, कुछ लोगों ने तो अपने गड्ढे बंद भी कर दिए जिससे कि कोई घटना ना घटे, कोई बच्चा उसमें ना गिरे जिससे वह घायल हो जाए। ऐसे प्रधान का रवैया रहा तो गरीब परिवार के लोगों की कौन सुनेगा। यह जनपद बांदा बबेरू तहसील अंतर्गत कामासिन ब्लॉक के नारायणपुर गांव का मामला बताया जा रहा है। देखिए तिंदवारी से शत्रुधन सिंह की रिपोर्ट। क्या नाम है माता जी आपका? सुमन नाम। आपको आवास शौचालय मिला? नहीं मिला। क्या कह रहे थे प्रधान जी से? आप बोले थे कि हमको आवास चाहिए शौचालय, दे नहीं रहे हैं। बोले तो गड्ढा खोदा के पूरा दिया नहीं रहे हैं। कहे का गड्ढा खोदवाए थे? पहले कही रहे कि देवे, फिर नहीं दे। कहे का गड्ढा खोदवाए थे? टट्टी घर का। टट्टी घर का। हाँ। क्या नाम प्रधान जी का? फूलचंद। आवास भी नहीं दिया है? नहीं दिया है। क्या कह रहे थे? रुको तुम बात न करो, जैसे हम बात करें कहा तुम्हारे खिता के नहीं आ रही, आपके लिए नहीं आ रही है।
ये थे अभी के कुछ खास खबर। कुछ खास खबरों के लिए आप लगातार बने रहिए हमारी फास्ट न्यूज इंडिया के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।